कौन से यहाँ से अभी है? आप किसान हो? पत्थर रख देना छोटे बड़े बड़े आराम से रख दे। माटिया की पसरा आया हूँ, धान लेके आया हूँ। खरीदी केंद्र कहे के लिए आए हैं? बेचने के लिए यहाँ खरीद केंद्र में। ये बताओ आप कब कब आए हो, कितने दिन? गुरुवार को आया था सर मेरा माल। यहाँ क्या क्या परेशानी जा रही है? परेशानी तो कुछ तौल लगी है सर, जहाँ मान लो नंबर नहीं लग पाया था। नहीं आज गुरुवार मतलब हफ्ते भर यही? हाँ। जो धान की देख रेख खुद कर रहे हो? हाँ यही पड़े रहते। आज ये अचानक बारिश हो गई है जी, तो पूरा धान तो पूरी गीली हो गई है, गीली फिर क्या गई। करोगे आप? अब जो करे, अब शासन जाने अब क्या करे। हम शासन के तो यहाँ रख दिए हैं, अब शासन के ऊपर है। नमी के बाद के तौलाई ली जाती है क्या? अभी तो कुछ नहीं बताए हैं कि तौलाई ली लेते हैं नहीं लेते। अभी तो बारिश मान लो होकर रहती है, क्या करते हैं, लेते हैं नहीं लेते। कितना धान लेता है? 90 क्विंटल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानो लड़के के नाम से है, रजिस्ट्रेशन रामू यादव। थे दो तीन दिनों से अनुमान किए जा रहे थे कि आज से वर्षा होने के चांस हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत पहले से हम लोग सूचना दिलवा रहे थे सब जगह सेंटरों में कि विभिन्न प्रकार की अपनी खरीदी केंद्र वाले व्यवस्था करके कुछ किसानों की मदद ले करके उसको करें। तो आज अचानक एक मतलब बारिश हुई है, यदि बारिश तत्काल बंद भी हो गई तो उससे एक फ़ायदा रहा है। तो वहाँ पर केंद्रों में जाके देखें, लोगों ने कुछ धान भगवाई हैं, कुछ मतलब कई जगह भी ढक नहीं पा रही थी तो लोग ले आ रहे थे और सेट कर रहे थे सब लोग। तो इसी का मुख्य निर्देश दिया गया है, आज खरीदी बंद करा के परिवहन पर पूरी तरह से केंद्रित करने के लिए उनको बताया गया है। सर जी, धान जैसे जो भीग गई है तो उसमें जो खराब हो जाएगी? नहीं, तात्कालिक तो अभी नुकसान होने के कोई चांस नहीं है। यदि ये मौसम 5-6 दिन 8 दिन रहता है तो अभी दिक्कत है, तो इसलिए आज की डेट में मुख्य रूप से उसको समेटने का, पूरा स्टैगिंग करने का, खरीदी बंद करके और ये काम करवाया जा रहा है।